बैडमिंटन की खेल जगत से बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। थॉमस कप के फाइनल में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हरा कर इतिहास रच दिया है। भारत ने 14 बार इस टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को पराजित किया है। लक्ष्य सेन ने पहले और सत्यवीर चिराग की जोड़ी ने दूसरे मैच में भारत को जीत दिलाई। इसके बाद किदंबी श्रीकांत ने तीसरा मैच जीतकर भारत टीम को पहली बार थॉमस कप का चैंपियन बना दिया। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन इंडोनेशिया के एथोनी सिनीसुका को 8-21, 21-17, 21-16 से मात दी। दूसरे मैच में चिराग की जोड़ी ने भी 18-21, 23-21, 21-19 से जीत हासिल की। तीसरे मैच में श्रीकांत ने कृष्णा को 21-15, 23-21 से हरा कर इतिहास रच दिया। थॉमस कप के 73 साल के इतिहास में भारत टीम पहली बार चैंपियन बनी है। यह टूर्नामेंट 1949 से खेला जा रहा है, लेकिन अब तक इंडोनेशिया, चाइना, डेनमार्क और मलेशिया जैसे टीम को इस टूर्नामेंट में दबदबा रहा है, जिससे भारत ने खत्म कर दिया। भारत छठी टीम है जिसने टूर्नामेंट जीता है। भारत टीम ने मलेशिया और डेनमार्क जैसे मजबूत टीम को हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी। इस टूर्नामेंट में भारत सिर्फ एक मैच हारा था, जब ग्रुप स्टेज में चीनी ताइपाई ने उसे मात दी थी। वह इंडोनेशिया की टीम फाइनल से पहले इस टूर्नामेंट से अजय रही थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी।